हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जॉट 3 पॉइंट। दिस इज आलोक पांडे एंड आज कोडिंग पार्ट देखने वाले हम लोग। लास्ट लेक्चर में लोगों ने देखा था पूरा आउटपुट, सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पूरा कोड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आउटपुट का कोड। जनरली कोड का आउटपुट होता है मेरा आउटपुट का कोड। ओके मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एक बार सारे के सारे चीज़ों को। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, जो कि है एडमिन पैनल को बंद कर देते हैं। उसका कुछ लेन देन नहीं है, सिर्फ एग्जाम से लेन देन है और हमारे इस प्रोफाइल से। प्रोफाइल के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल एक सेशन के अंदर सेट किया हुआ एक डिफॉल्ट आईडी है, जो एक यूजर का आईडी है स्पेशली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो लीव इट। अब हम लोग जाते हैं हमारे सेलेक्ट लैंग्वेज, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फेज एग्जाम फेज टू पे जाते हैं। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो डेटा ऐसे डेटा है जो आंसर के अंदर नहीं अवेलेबल है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आंसर के अंदर नहीं अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं बीन के अंदर जाऊँ, मैं बीन के अंदर जाता हूँ अपने सोर्स पैकेज के अंदर, बीन के अंदर जाऊँ, यहाँ पे आंसर नाम का जो हमारा बीन क्लास है उसके अंदर थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सब्जेक्ट आई डी, स्टूडेंट आई डी, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, राइट। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, तीन अलग अलग टेबल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। पहला सब्जेक्ट जो कि है ये वाला स्टूडेंट ये वाला, ओके। सो ये दो टेबल हैं एंड थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन है। आंसर किसने दिया, किस सब्जेक्ट का दिया, राइट, एंड क्वेश्चन कौन सा था, ये तीन चीज़ें मुझे रखनी होगी किसके अंदर, आंसर टेबल के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो तीन चीज़ें रख ली है, सब्जेक्ट का आईडी, स्टूडेंट का आईडी एंड क्वेश्चन का आईडी, राइट। अब उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहने वाली है ऑब्वियसली, और वो क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हो। सब्जेक्ट आईडी तो छोड़ो, स्टूडेंट भी छोड़ो, क्वेश्चन भी छोड़ो, तो मैंने समझा भी। अभी आंसर टेक्स्ट लगने वाला है, रॉन्ग है या राइट है वो रखने वाले हम लोग, एंड स्ट्रिंग आंसर डेट रखने वाले, मतलब तीन चीजें रखने वाले हम लोग, राइट, जो कि हमें यहां से मिलने वाला है, देख सकते हो। आंसर डेट ओके एंड रॉन्ग और राइट, ये तो कंस्ट्रक्टर है हमारा, और उसके सारे सेटर गेटर मेथड्स ये आपको ऑलरेडी पता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, राइट। सो मुझे तीन चीजें रखने, मतलब तीन ऑब्जेक्ट चाहिए होगा मुझे डेटाबेस में डेटा रखने के लिए, राइट। सो हम जाते हैं अपने वापस उसी पेज में जो कि एग्जाम फेज टू में। तो उसके अंदर डेटा जो दिखाया जा रहा है, किस तरह से दिखाया जा रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा आपको दिखता रहे, अदरवाइज आप बोलोगे कुछ दिख नहीं रहा है। सो एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या किया हुआ है, स्टाइलिंग को छोड़ दो, कॉमन बी टी सी डी जो भी है वो उसे छोड़ दो, वो सब स्टाइलिंग पार्ट के लिए है, अब मैं स्टाइलिंग नहीं बताने वाला ऑब्वियसली। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जीएसपी का कोड जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, स्टूडेंट ऑपरेशन, मतलब स्टूडेंट का मुझे एक डेटा लेके आना है जो करंटली लॉग्ड इन है, वो वाला डेटा लेके आना है, और उसको मुझे सेट करना पड़ेगा हमारे किसके अंदर, सब आंसर नाम के टेबल के अंदर, इसलिए मैंने वो लेके आया। स्टूडेंट का टेबल बना, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया एंड स्टूडेंट ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि स्टूडेंट ऑपरेशन जो है उसके एक रिकॉर्ड को देगा और जो मैं स्टूडेंट के अंदर रखने वाला हूँ ऑब्वियसली। एंड ये रहा दूसरा, हमारे सेशन से हम लोग आईडी निकाल रहे हैं जो भी बंदा लॉग्ड इन है, जो बंदा लॉग्ड इन है वो कौन कहाँ से लॉग इन हुआ था, प्रोफाइल पेज के अंदर हम लोगों ने एक वन सेट किया है, राइट, मतलब जिस स्टूडेंट का आईडी वन होगा वो अभी लॉग्ड इन है करंटली, राइट। सो जो लॉग्ड इन है ऑब्वियसली, और ये जो डीबगिंग का पार्ट है इसे निकाल सकते हो, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट का आईडी आ गया। स्टूडेंट को देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट भी कर लिया, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, क्योंकि ये सिलेक्ट स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी हमारे डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोगों ने डीओ पैकेज के अंदर बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे है, आप पहले का वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। डीओ पैकेज यहाँ पे है, और यहाँ पे देखोगे तो आप स्टूडेंट ऑपरेशन नाम का एक ये मिलेगा, इम्प्लीमेंटेशन क्लास मिलने वाला है एंड इंटरफेस रहने वाला स्टूडेंट डिक्लेरेशन का, सेरा स्टूडेंट डिक्लेरेशन एंड स्टूडेंट एग्जाम नहीं, स्टूडेंट ऑपरेशन यहाँ पे है, जो वही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने वहाँ पे बीन के अंदर जो है वो वाला। और मैंने एक आईडी, एक डेटा को, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया जिसका आईडी होगा ये वाला जो कि सेशन में सेट है, उस बंदे का लेके आया मैंने स्टूडेंट के अंदर रख दिया। ओके क्वेश्चन नंबर बाय डिफॉल्ट 0 रखा है, इसका कुछ लेन देन एक्चुअली हमारे लॉजिक से नहीं है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन को नंबरिंग करने के लिए यूज किया हुआ है। सो बूलियन लास्ट क्यू फॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मुझे पता चलता है क्या ये क्वेश्चन जो बंदा अटेम्प्ट कर रहा है लास्ट है क्या, अगर लास्ट है तो जो इसे डेटाबेस में सेव करेंगे और उसे सेंड करेंगे रिजल्ट पेज में, रिजल्ट वाले पेज पे लेके जाएंगे, ना कि हमारे इस पेज पे लेके जाएंगे, इस पेज पे मतलब वापस इसी पेज पे लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सेट करके रखा, अगर क्वेश्चन लास्ट है तो मैं उसको लेके जाऊंगा रिजल्ट वाले पेज पे, जो कि यहाँ पे मिलेगा आपको, ये रहा रिजल्ट वाला पेज जो कि मैं दिखाने वाला हूँ ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, लेकिन हम बस वहाँ पे लेके जाएंगे, इसलिए सेट करके रखा है। दूसरा, अब इफ कंडीशन देखो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सबमिट नॉट इक्वल टू नल है, तो सबमिट यानी जो हमारा जहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, फिर वहाँ से बटन है सबमिट का, सबमिट पे जब वो क्लिक करेगा
वो अगर नल नहीं होगा तो, अगर वो नल नहीं होगा तभी इस पेज पे आना चाहिए राइट। अगर वो नल है मतलब बंदे ने सबमिट नहीं किया इस पेज को, डायरेक्ट रन कर दिया है तो कुछ मजा नहीं, मतलब वो आईडी लेके नहीं आ पाएगा स्टूडेंट का, सबमिट का आईडी नहीं लेके आ पाएगा, तो यहाँ पे डेटा कैसे दिखाएगा इस वजह से। सो क्योंकि वहां से मैंने सबमिट आईडी सेंड किया है, कहां से, जहां से उसने लैंग्वेज सेलेक्ट किया था और नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया था वहां से। गुड टू गो, अब आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सब्जेक्ट आईडी देखो ले लिया। सब्जेक्ट आईडी कहाँ से ले रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यानी हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमारे रिक्वेस्ट जो वहां से सबमिट किया नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो मैंने वहां पे रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड कर दिया क्या सब्जेक्ट का आईडी, और मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया कहाँ पे, सब्जेक्ट आईडी के अंदर। सिंपल, प्रीटी सिंपल। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको उस पेज को जहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा है, जो कि ये है सेलेक्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेलेक्ट, ये देखिए सेलेक्ट, ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर दिखाई दे रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज का, सेलेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शन में डेटाबेस से फेच करा रहा हूँ तो सिर्फ एक ही हमें जो भी यूजर जो भी उसने सब्जेक्ट लिया रहेगा वो दिखाई देगा यहाँ पे। रीड बिफोर नेक्स्ट पेज ये छोड़िए, यहाँ पे देखो बस सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट का लेके जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर देखो हमने क्या सेंड किया है, वैल्यू सब्जेक्ट आईडी है, यूजर को दिखा रहा हूँ सब्जेक्ट का नेम लेकिन सेंड कर रहा हूँ सब्जेक्ट आईडी, तो हम सब्जेक्ट आईडी को वहाँ पे रीड करें। समझ गए, नहीं समझे अभी भी तो एक बार पहले के वीडियो और इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सो गुड टू गो, आगे क्वेश्चंस ऑपरेशन। अब मुझे क्वेश्चंस के ऑपरेशन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आने हैं, बट वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आने हैं जिसका सब्जेक्ट आईडी, सॉरी जो अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया गया है, मतलब ऐसे सारे क्वेश्चंस जिससे अभी तक हम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया वो कैसे चेक किया जाएगा मैं आगे दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। सो फिलहाल हम लोगों ने क्वेश्चन ऑपरेशन यहाँ पे बना लिया, देखिए क्वेश्चन ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट सब, सब्जेक्ट सब न्यू सब्जेक्ट ऑपरेशन डॉट सेलेक्ट सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था, सब्जेक्ट बाकी था बंदा, तो मैंने सब्जेक्ट को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लिखा मैंने सब्जेक्ट सब। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ, सब्जेक्ट ऑपरेशन का, क्योंकि सब्जेक्ट ऑपरेशन मैंने यहाँ पे देखिए एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, कहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑपरेशन, ये रहा सब्जेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। सब्जेक्ट ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया और सेलेक्ट सब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसके अंदर एक मेथड है सेलेक्ट सब्जेक्ट जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ, शायद आप पहले से नहीं देखे होंगे, तो ये रहा सेलेक्ट सब्जेक्ट आईडी की बेस पे, तो क्या करें सब्जेक्ट सब, सब्जेक्ट एस डॉट गेट सब्जेक्ट जिसका मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दिया वो उसे लेके आएगा। मैंने बहुत सारे तरीके यहाँ पे यूज किए हैं, कभी मैंने एचक्यूएल यूज किया है, कभी मैंने हमारा क्राइटेरिया यूज किया है, कभी गेट का यूज किया है, इससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे बेटर राइट। इस वजह से मैंने कहीं 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 कुछ 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 और यूज किया हुआ राइट। सो लीव इट, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये एक सब्जेक्ट को लेके आएगा और इस सब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर रख देगा, मतलब मुझे स्टूडेंट भी मिल गया जिसका मुझे डेटा लेके आना है, सब्जेक्ट मिल गया जिस सब्जेक्ट का मुझे डेटा लेके आना है राइट, दो के दोनों मिल गए। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसको प्रिंट कराया है, इसका कुछ मतलब नहीं, अगर आप चाहो तो कराओ या मत कराओ इसका कुछ मतलब नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट का नेम मतलब ये आईडी के जैसा दिखाई देने वाली चीज है, सिंपली बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही लाइन है जो ये बताने वाला है कि कितना डेटा, कितने क्वेश्चन आपको लेके आने वाले हैं। देखो क्वेश्चन ऑपरेशन का मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया है राइट, ध्यान दो क्वेश्चन ऑपरेशन यहाँ पे है, उसके अंदर एक फंक्शन का नाम है जिसका नाम है सेलेक्ट नॉट इन, सेलेक्ट नॉट इन किसका, सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट दो पैरामीटर पास किया है। अब ये क्या है, ये तो आप इसके फंक्शन के अंदर जाओगे तभी समझ में आएगा, तो चलिए उस फंक्शन के अंदर चलते हैं। सेलेक्ट नॉट इन के अंदर यहाँ पे मैंने एचक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद है समझ में आ भी जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये आई डोंट नो क्यों हैंग है, क्योंकि ये सुबह से कंटिन्यूस चल रहा है जैसे ऐसा लग रहा है उसकी वजह से, और बैटरी भी ज्यादा नहीं है। प्लीज चलिए, हम सॉरी ये बस हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा जनरली होता नहीं बट आज हो गया। सो मैं जो चेक कर रहा था वो ये था कि सेलेक्ट नॉट इन दिस मेथड राइट, यही मेथड जो मैंने वहां पे कॉल किया है जो रिटर्न करेगा लिस्ट टाइप का, मतलब बहुत सारे डेटा रिटर्न करने वाला है, सिर्फ एक दो डेटा नहीं, लिस्ट ऑफ डेटा, वो सारे डेटा हो सकते हैं जितने की जिसके जितने के आंसर दिए नहीं गए हैं वो सारे डेटा हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने दो पैरामीटर लिया है जो कि सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट, मतलब अब क्वेरी के अंदर थोड़ा ध्यान दोगे तो मैंने लिखा क्या, ये एचक्यूएल क्वेरी है, मतलब ये हाइब्रिड की क्वेरी है, तो आपको इस तरह से लिखना होगा जैसे मैंने लिखा है फिलहाल। फ्रॉम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नाम के टेबल से सेलेक्ट करिए क्या, सारे के सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए, और कंडीशन क्या है, वेयर क्वेश्चन का जो आईडी है, क्वेश्चन का जो आईडी है वो नहीं होना चाहिए, नॉट इन मतलब नहीं होना चाहिए किसके अंदर, ये जो सब क्वेरी में पास कर रहा हूँ उसके अंदर, मतलब मैंने लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट क्वेश्चंस, मैंने क्या लिखा है सेलेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आंसर्स, कौन से टेबल से, आंसर्स टेबल से, और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा ये कुछ और नहीं हमारे उस बीन क्लास का नाम है, ध्यान दोगे इस सॉरी आंसर के अंदर जाइए,
यहाँ पे आंसर्स के अंदर जाइए और यहाँ पे देखो लिखा क्या गया है, ये वेरिएबल्स के नेम है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन है ना, इसका नाम है और स्टूडेंट का ये नाम है एंड सब्जेक्ट आईडी ये है, ये तीन चीजें मुझे वहां पे यूज करनी है, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस हमारा इस आंसर टेबल के अंदर एक वेरिएबल का नाम है ये वाला, वही पास करना आप, क्योंकि आप एचक्यूएल करी है, एसक्यूएल करी नहीं है, ध्यान देना, हाइब्रिड क्वेरी लैंग्वेज है। सो क्वेश्चंस फ्रॉम आंसर टेबल से वेयर स्टूडेंट, अब देखो ये स्टूडेंट जो मैं पास कर रहा हूँ कहाँ से ले रहा हूँ, आंसर टेबल के अंदर देखो यहाँ पे स्टूडेंट है ना, वेरिएबल वो वाला पास करना है आपको, तो वही पास करना है एज इट इज, स्टूडेंट पास करना है आपको। एंड स्टूडेंट के अंदर मैंने क्या पास करा, एस टी डॉट गेट सब्जेक्ट आई डी मैंने लिखा है, सेलेक्ट ऑल क्वेश्चन, मैंने बोला सेलेक्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम आंसर टेबल से, देखिए यहां से मैंने सेलेक्ट किया हो किस टेबल से लेके आया हूँ, क्वेश्चन टेबल से लेके आया हूँ, ध्यान दो। अब जो सब क्वेरी है वो का सेलेक्ट कर रही है, आंसर टेबल से लेके आ रही, मतलब जितने क्वेश्चन के आंसर दिए गए रहेंगे वो सारे आंसर्स आंसर टेबल के अंदर जाके स्टोर हुए रहेंगे सब्जेक्ट आईडी स्टूडेंट आईडी के साथ, राइट, सब्जेक्ट आईडी स्टूडेंट आईडी के साथ। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जाओ आंसर टेबल में देखिए कितने आईडी हैं क्वेश्चन के, अगर क्वेश्चन के आईडी जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो सबको सेलेक्ट करके लेके, सब क्वेरी के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ वो सारे आईडी को सेलेक्ट करके लेके आइए जो हमारे वो सारे आईडी को सेलेक्ट करके लेके आइए जो हमारे आंसर टेबल के अंदर है, किस टेबल के अंदर है, आंसर टेबल के अंदर। लेकिन क्वेश्चंस क्या है हमारा, क्वेश्चन वाला आईडी है, फॉरेन की है ये, ध्यान देना, क्वेश्चंस वाला है, क्योंकि मैंने वहां पे देखो रिलेशनशिप बनाया हुआ है, तो आपको फिलहाल इस तरह से क्वेरी पास करनी है जो बेटर रहेगा। आंसर वेयर स्टूडेंट प्लस एस टी डॉट गेट सब्जेक्ट आई डी, क्या है ये, एस टी डॉट गेट सब्जेक्ट आई डी। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैं उस आई डी को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो स्टूडेंट जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, देखिए एस टी यानी स्टूडेंट डॉट गेट एस आई डी है, नॉट सब्जेक्ट आई डी, मतलब उस स्टूडेंट का आई डी सेलेक्ट करिए पहली चीज, एंड साथ साथ एक और कंडीशन है उसके साथ, सब्जेक्ट आई डी कौन सी होनी चाहिए, सब्जेक्ट डॉट गेट सब्जेक्ट आई डी, जो कि मुझे यहाँ पे पैरामीटर मिला हुआ है ना ऑब्जेक्ट, इन दोनों का आई डी निकाल रहा हूँ और उस कंडीशन में डेटा लेके आ रहा हूँ। तो इससे क्या होने वाला है, मतलब ये टोटल सब क्वेरी एंड सब क्वेरी एंड सब क्वेरी को मिला के जो आंसर आने वाला है सिर्फ वो आंसर आने वाले हैं जो जिसके आंसर सभी अटैम्प्ट नहीं किए गए हैं, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो, बट उसे अटैम्प्ट ही नहीं किया गया है और मतलब आंसर टेबल के अंदर गया ही नहीं है, वो सारे आंसर्स हैं, राइट, जब एग्जीक्यूट होएगा। तो अब उसमें एक दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने जब इसे एग्जीक्यूट करवाया तो इसे क्वेरी बनाई पहले और फिर उसे जब एग्जीक्यूट करवाया तो मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है, यूनिक रिजल्ट नहीं किया है, लिस्ट किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, लिस्ट के अंदर रख लिया, अगर लिस्ट का साइज जीरो से ज़्यादा है रिटर्न कर दीजिए लिस्ट, नहीं तो रिटर्न कर दीजिए नल, सिंपल, यही है जो मेन लॉजिक आपको अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड अभी आंसर्स को भी क्लोज करें, तो वापस इस पेज पे आ गए। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने सिंपल प्रिंट क्या कराया हुआ है, हाँ, अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने डेटा ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेक किया पहले वो नल तो नहीं, अगर नल नहीं है तब आप इसके अंदर आइए और उसका डेटा लेके रख लीजिए लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर आ गया तो मैंने लिस्ट का साइज निकाल लिया, साइज के अंदर रख लिया, ये जरूरी है, मैं बताऊंगा क्यों। लिस्ट इटरेटर बनाया, लिस्ट इटरेटर का फंक्शन इंस्टेंस लिया और लिस्ट के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे देखिए lit.has रेंज, जब तक उस lit के अंदर नेक्स्ट वैल्यू है तब तक क्यू नम को प्लस प्लस कर दीजिए, जो कि क्वेश्चन नंबर्स यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना जीरो रखा हुआ है, कुछ लेन देन नहीं, सिर्फ नंबरिंग के लिए, तो आप इसे इंक्रीमेंट कर दो, जितनी बार लूप चलेगा उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा और वहाँ पे नंबर सेट करवाएंगे उसकी वजह से, ये सारी चीज़ें, राइट। सो क्वेश्चन नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर रेफरेंस कहाँ से आ रहा है, lit के थ्रू lit.has.next करने की वजह से वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसे मैं क्वेश्चन टाइप में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन के अंदर रख दूंगा, सिंपल, गुड। सो कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि जो LIT नेक्स्ट रिटर्न करेगा वो क्वेश्चन टाइप का ही रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने जो फंक्शन कॉल किया है वो है हमारा सेलेक्ट क्वेश्चंस के हैं, मतलब सेलेक्ट ऑल क्वेश्चन जो नॉट इन, मतलब इन दोनों से जो मैच ना होते हैं, वो कंडीशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग टाइप क्वेश्चन डॉट गेट क्वेश्चन का टाइप ले रहा हूं मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के मुझे पता चल जाएगा क्वेश्चन का टाइप क्या है, अगर जो भी टाइप होगा उसके आगे हम काम करने वाले हैं। लेकिन टाइप को रखा उसके बाद तो मैंने तुरंत क्या रखा है, क्यू नंबर यानी क्वेश्चन नंबर जो है वो एंड साइज अगर दोनों सेम है तो मैं बोलूंगा लास्ट वाला क्यू जो है लास्ट क्वेश्चन है ये उसको ट्रू कर दे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो लास्ट क्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे देखो जिसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है, मतलब पहले से वो लास्ट क्वेश्चन ये नहीं है, और यहाँ पे क्यू नंबर को मैंने जीरो रखा है जो कि यहाँ से बढ़ने वाला है, यहाँ पे बढ़ेगा एक बढ़ेगा फिर अगली बार दो फिर तीन, ऐसे ही तब तक बढ़ेगा जब तक वो लास्ट नहीं हो जाता है। लास्ट वाली मे बी अगर 10 क्वेश्चन है तो 10वें पे पहुंच जाएगा, जब 10वें लूप पे पहुंचेगा तब मैं उसका साइज चेक कर रहा हूँ, मतलब उस टाइम पे दोनों मैच हो जाएंगे, जब मैच होंगे तो लास्ट क्यू में ट्रू रख दूंगा, राइट, जब लास्ट क्यू ट्रू रहेगा तो उसके रिलेटेड में आंसर आगे ऑपरेशन करने वाला
वाला हूँ, मतलब इसे मैं सेंड करने वाला हूँ उस पेज पे जहाँ पे ये वैलिडेशन होने वाला है, वो मैं दिखाने वाला हूँ बाद में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये इसको ट्रू करके रख देना है। क्वेश्चन टाइप डेटा इक्वल्स अगर रिटर्न है तो मैंने उसके लिए एक सिंपल यहाँ पे फॉर्म बनाया एंड उसके अंदर डेटा सेट कर दिया, मतलब ये सारी चीज़ें सेट कर दी। एंड यहाँ पे देखो मैंने उस क्या क्या यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। हिडन टाइप का है, वैल्यू क्या है, क्वेश्चन आई डी सेंड किया मैंने यहाँ पे, सब्जेक्ट आई डी सेंड किया है मैंने यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन सेट किया है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट बटन रखा है, नेक्स्ट बटन से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ थ्री पैरामीटर में सेंड कर रहा हूँ इस पेज से, किस पेज के लिए, क्वेश्चन चेक अंडरस्कोर स्टोर के अंदर, मतलब जो चेक करेगा और स्टोर कर देगा डेटाबेस के अंदर उसको सेंड कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर टाइप ऑप्शनल है तो उसके लिए भी सेम चीज़ें हैं। यस, देख सकते हो आप सारे के सारे। आप ये मैंने पहले भी डिस्कस किया तो मुझे बार बार बताने की आई डोंट थिंक जरूरत होगी, थोड़ा छोटा करता हूँ सो दैट आप और देख सको, थोड़ा जूम इन करके अगर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज छापना होगा तो यू नो छापना राइट उसके लिए। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सारी चीज़ें कॉमन है, सेम चीज़ अगर प्रैक्टिकल रहेगा तो, ये प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन टाइप एंड ऑल दैट यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वही चीज़, तीन जो चीज़ कॉमन ही है, भेजने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाएगा फॉर्म, उसी पेज पे सब जाने वाले हैं, क्वेश्चन अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर चेक पे, मतलब क्वेश्चन अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर स्टोर पे। एंड फाइनली एल्स हम बोल रहे हैं कि फॉलो द एग्जाम फेज, डोंट रन दिस पेज डायरेक्टली, अगर वो बंदे ने रन नहीं किया है, डेटा वेटा नहीं आया तो उसके लिए यू कैन लीव इट सिंपली यहाँ पे। अदरवाइज अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लुक्स लाइक यू हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जाम और नो क्वेश्चंस आर देयर फॉर दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के लिए अभी क्वेश्चन ऐड नहीं किए गए होंगे, इस तरह से कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट राइट। सो आई होप डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, चेक योर प्रीवियस रिजल्ट, अगर उसने अटेम्प्ट किया होगा तो आप मैंने रिजल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेगा, अगर वो बंदे का उसने दिया रहेगा तो उसको सारे सारे रिजल्ट दिखाई देंगे, रिजल्ट दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं दिखाई देने वाले हैं तो लीव इट। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल सेव कर दीजिए, हम जाते हैं उस फॉर्म के अंदर जो ये सारी चीज़ें मैनेज करी, जो यहाँ से डेटा लेके जाएगी और उस जो मतलब डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाले, उसकी बात कर रहा हूँ। कंट्रोलर के अंदर ऑब्वियसली होगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कंट्रोल चेक क्वेश्चंस यही कहीं होगा, यार क्वेश्चन को चेक अंडर स्कोर स्टोर, इसके अंदर छोटी मोटी बड़ी बातें की गई है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला काम सेशन, सेशन से मैंने आईडी ले लिया यूजर का, क्योंकि मुझे यूजर लगने वाला है स्टोर करने के लिए राइट। किस बंदे का आंसर हो तो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर टेबल के अंदर बहुत लोग आंसर जाने वाला है, उसमें से हम आईडी के बेच पे फेच करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है, समझ जाओगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। इंटीजर और पास इन करके मैंने क्वेश्चन का आईडी ले लिया, सब्जेक्ट का आईडी ले लिया क्योंकि वहां से आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि वहां पे मैंने क्या क्या सेंड करवाया है। आंसर्स भी ले लिया, ऑब्वियसली आंसर तो आएगा ही, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। एंड यहाँ पे मैं रॉन्ग एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है रॉन्ग और राइट, मैंने उसको रॉन्ग सेट किया है, ये पहले भी डिस्कस किए हैं, बुलियन पार्स बुलियन रिक्वेस्ट एंड ऑल दैट। लास्ट क्यू को भी ले लिया, लास्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे देखोगे सारी बाकी जो मैंने पहले डिस्कस किया वो सारी चीज़ें हैं, ये मुझे और कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस यहाँ पे मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, अगर If i इक्वल टू जीरो, मतलब जो स्टोर हुआ वो तो ठीक है, मतलब डेटाबेस के अंदर गया जीरो से ज़्यादा है तभी ये एल के अंदर वैल्यू अगर रहेगा तो जीरो से ज़्यादा रहेगा। एंड लास्ट आंसर अगर नहीं है, लास्ट आंसर अगर नहीं है तो मैं इसको कहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स सेंड रिडायरेक्ट वापस उसी पेज पे, एग्जाम फेज टू के ऊपर जो कि हम पहले देख रहे थे ये वाला, ठीक है। एंड साथ साथ उसके साथ मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आईडी, क्योंकि मुझे उस पेज पे जो डेटा दिखाई देगा सब्जेक्ट के बेस पे दिखाई देना, तो मैं यहाँ से वापस सेंड कर दे रहा हूँ। एंड सबमिट इसलिए मैंने चेक किया, मतलब शॉर्टकट मैंने यूज़ किया है क्योंकि मैंने वहाँ पे कंडीशन डाल के रखी है, अगर सबमिट नल नहीं है तभी आप यहाँ पे डेटा दिखाओ, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, या तो मैं यहाँ से इफ कंडीशन वगैरह निकाल के, ये देखिए जो रखा है ना इफ कंडीशन निकाल के मैं इसे विदाउट इफ का करता, इससे अच्छा मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं सब्जेक्ट सबमिट इक्वल टू चेक सब स्टेटस नाम का, यही चीज़ वहाँ पे चेक होता है एक्चुअली, ये आप ऑप्शनल केस है, लेकिन आपको डालना पड़ेगा या फिर इफ कंडीशन निकालना पड़ेगा अगर आप निकालना चाहते हो तो। सो फिलहाल रिस्पॉन्ड ऑफ सेंड डायरेक्ट एग्जाम स्लैश रिजल्ट डॉट जेएसपी, अगर ये फॉल्स है तो हमारा इस ये वाले पे जाएगा, अगर फॉल्स नहीं है ट्रू है वो इस पेज पे जाएगा राइट। इस पेज पे जब वो जाएगा तो रिजल्ट फेज पे जा रहे हैं डायरेक्टली, रिजल्ट फेज पे गया मतलब वो पूरा का रिजल्ट दिखाने वाला है। अब रिजल्ट दिखाएगा तो ऑब्वियसली क्या होएगा, रिजल्ट फेज पे जा के देख लेते हैं। चलिए लीव करते हैं इसे, इसे भी क्लोज कर देते हैं, हम जाते हैं उस पेज पे जहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है, और रिजल्ट पेज पे जाने के लिए आपको एग्जाम फोल्डर के अंदर जाना होगा, और ये रहा रिजल्ट, गुड टू गो। अगेन सेम क्वेश्चन, BTCDN यानी BTCDN ये सब कॉमन चीज़ें हैं और स्टाइलिंग के लिए यूज की गई हैं, बूटस्ट्रैप का यहाँ पे लाइब्रेरीज इंक्लूड किए गए हैं CDN वगैरह, तो उसे छोड़ सकते हो। बॉडी को मैंने डिफॉल्ट मोनो स्पेस दे दिया है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट की फैमिली H3 को मैंने कुछ ये दे दिया है मैंने, मतलब स्टाइल डिफॉल्ट स्टाइल वो है, अगर आप ये चाहो तो निकाल सकते हो, उसका कुछ लेन देन नहीं स्पेस से। फिलहाल
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है स्टाइलिंग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप देख के समझ जाओगे आई होप। जम्बोट्रॉन दिया है एंड जीरो पिक्स इंपॉर्टेंट दिया है ये मार्जिन को कम करने के लिए। हमने बूटस्ट्रैप यूज किया, अगर उसने भी इंपॉर्टेंट दिया होगा तो इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है जस्ट बिकॉज अदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। बाय डिफॉल्ट इनलाइन है तो आई थिंक इसका इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है। फिर मैंने डाल दिया है सो दैट क्या डिजाइनिंग में सही से कर सकूँ लिमिट। सो सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट पहले चेक करूँ, अगर वो नल नहीं है तो, क्योंकि यूजर लॉगिन नहीं है तो ऐसा चीज़ दिखनी ही नहीं चाहिए राइट। तो वो चीज़ है सेशन नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए पहली चीज़। दूसरी एंट्री डॉट सेशन से मैंने वैल्यू ले लिया सब्जेक्ट स्टूडेंट का जो कि मैंने रख लिया आईडी के अंदर। अब मैं दूसरा क्या ले रहा हूँ सब्जेक्ट आईडी, क्या ले रहा हूँ मैं सब्जेक्ट आईडी जो कि मुझे मिल रहा है एंट्री डॉट पार्स इंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यानी हमें वहाँ से मिल रहा है जहाँ से रिस्पॉन्स रिडायर किया गया यानी क्वेश्चन चेक अंडरस्कोर स्टोर पेज से जो कि था सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे देखो मैंने तीन ऑपरेशंस बनाए हैं, तीन ऑपरेशन स्टूडेंट ऑपरेशन सब्जेक्ट ऑपरेशन ऑपरेशन यानी ऑब्जेक्ट, ये साइड है आप इंटरफेस के अंदर भी रख सकते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इस साइड क्लास है इस साइड इंटरफेस का रेफरेंस, मतलब रेफरेंस जो है इंटरफेस है एंड इंस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का रखा जा सकता है क्योंकि दोनों के बीच में पैरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। आंसर्स ऑपरेशन के अंदर भी देखो हम लोगों ने रख लिया आंसर ऑपरेशन। यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता आप जो चाहो बना सकते हो। आई होप आपने सबका इंटरफेस बना के ही काम कर रहे होगे, डायरेक्टली काम नहीं कर रहे होगे। स्टूडेंट एस टी इक्वल टू एस डी यानी ये हमारा सेलेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जो कि एस टी के अंदर रख दिया। फिर हम देख लो सब्जेक्ट सब डी यानी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट आई डी लेके गए हम लोग जैसे जावा लेके आएगा तो सिर्फ जावा का आंसर लेके आएगा। और मैंने यहाँ सब के अंदर रख लिया, वो लेके आएगा तो बाद की बात है बट पहले हम लोग आई डी सेलेक्ट करके रख रहे हैं। एंड लिस्ट यहाँ पे देखो सर्च बाय स्टूडेंट एंड लैंग्वेज, मैं दो चीज़ का कंडीशन पास कर रहा हूँ, स्टूडेंट का नेम यानी स्टूडेंट होना चाहिए और उसका लैंग्वेज होना चाहिए वो डेटा लेके आना, मतलब एक स्टूडेंट का जो लैंग्वेज उसने जिसका एग्जाम दिया है वही लेके आना है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें पास करें सब एंड एस टी। ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काम ऑब्वियसली किया होगा मैंने यहाँ पे किया है। ये देखिए इस आंसर्स ऑपरेशन हमारा जो क्लास इंप्लीमेंटेशन उसके अंदर सर्च बाय स्टूडेंट एंड लैंग्वेज नाम से मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम बनाया है स्टूडेंट एस टी ब्ला 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 एंड ऑल दैट। यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्राइटेरिया यूज किया, जैसे मैंने पहले बताया मैंने कभी गेट कभी क्राइटेरिया कभी एचक्यूएल यूज किया है, तो आप इसको तीनों का आइडिया हो जाता है साथ साथ बहुत कुछ सीख सकते हो आप। सो क्राइटेरिया के बाद मैंने लिखा एस डॉट क्रिएट क्राइटेरिया आंसर डॉट क्लास, मतलब आंसर से पूरा आंसर का पूरा डाटा लेके आने के लिए मैं बोल रहा हूँ लेकिन कंडीशन मैंने आगे पास किया है। सो क्राइटेरिया डॉट एड रिस्ट्रिक्शंस क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे स्टूडेंट ये वाला हो ये जो मुझे पैरामीटर मिल रहा है राइट ये स्टूडेंट हो वो वाला और इस स्टूडेंट के अंदर एक ही जन का आईडी रहना एक ही जन का रिकॉर्ड रहने वाला, मतलब एक बंदे की बात की जा रही है। सेम जो सब्जेक्ट में दूसरा मैंने पास कर दिया सब्जेक्ट आईडी, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट ऑप्शन है जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और ये पूरी तरह से इसी पैटर्न पे काम कर रहे हो आप। एंड लिस्ट क्राइटेरिया डॉट लिस्ट मैंने लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया एंड नॉट इक्वल टू नल है तो मैंने रिटर्न कर दिया, नल है तो अगर मतलब नल है तो नल रिटर्न कर दिया और क्या, कंट्रोल डब्लू करता हूँ वही चीज़ है। यहाँ पर लिस्ट आ गई, लिस्ट को मैंने लिस्ट के थ्रू मैंने प्रिंट करवाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 0, 1, 2, 3 ऑब्वियसली आप यहाँ पे आईडी डाल सकते हो बट मैंने फिलहाल पास किया है क्वेश्चन नंबर, आप आईडी भी प्रिंट करा सकते हो आप क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली क्वेश्चन का जब आपके पास टेबल होता है तो आईडी प्रिंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल वो सब छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं, स्टाइलिंग का पार्ट है। अब आगे मैंने बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी यूज किया है, बूटस्ट्रैप यूज करो जिसकी वजह से मुझे ड्यू क्लास रोज कॉलम ये जो क्लासेस हैं ड्यू के वो सब छोड़ दीजिए, उसका कुछ लेन देन नहीं। अगर आप चाहो तो स्टाइलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो ओके, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रो प्रोफाइल नेम पेज हेडर ये सब आप छोड़ सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। मेन पर्पज है जो इमेज अभी तो फिलहाल यहाँ पे स्टैटिकली मैंने रख दिया है क्योंकि इमेज का मैंने ऑप्शन अभी दिया नहीं है, जो मैं आगे दूंगा तो यहाँ पे पास कर दूंगा नो डाउट। फिलहाल रिजल्ट दिखाना इंपॉर्टेंट था इसलिए रिजल्ट पे जंप करते हैं डायरेक्टली। ये हमारा सिर्फ प्रोफाइल वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से लेके पूरा इसके अंदर सिर्फ प्रोफाइल दिखाई देगा, एक्चुअली यहाँ से इस रो को पूरा का पूरा प्रोफाइल है तो इसे आप छोड़ सकते हो। ये ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ, नीचे आ जाइए वैल्यू मैंने यहाँ पर डाला क्वेश्चन प्लस प्लस किया हुआ है आंसर लिस्ट नेक्स्ट से मैंने एक आंसर निकाल लिया lit.next करके एक मैंने एक आंसर निकाल के इसके अंदर रख लिया। तब तक चलने वाला है जब तक लिस्ट के अंदर आंसर रहने वाला है और ये आंसर तब तक मिलने वाला है जब तक एक स्टूडेंट ने जितने आंसर दिए होंगे उसके रिलेटेड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसने लॉगिन किया है उसका आंसर राइट। गुड टू गो आगे बढ़ते। सो क्लास रो स्टाइल मार्जिन टॉप 10 पिक्सल ब्ला ब्ला शैडो एंड ऑल दैट, ये शैडो का इफेक्ट जो आपको दिखने वाला है यहाँ पे देख सकते हो ये सब है एंड इसके कुछ मैंने कुछ चीज़ें और भी ऐड की है जो आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल जब हम आगे की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये उस स्टूडेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन है ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जावा, ये रहा आगे का काम ड्यू एंड रोज के अंदर मैंने बनाया हुआ है तो ये
लूप के अंदर मैंने सारे के सारे ड्यू को डाल दिया एक पूरे रो को, क्योंकि एक बार में एक रो, दूसरी बार में दूसरा रो, तीसरी बार में तीसरा रो, जितने आंसर होंगे उतने रो प्रिंट हो जाएंगे। कूल, गुड टू गो, गुड टू गो। सो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर मैंने ले लिया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को प्रिंट कराना था मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैंने डाला है क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू एंड ऑल दैट। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा भी है क्वेश्चन स्ट्रिंग है नॉर्मल, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो इंक्रीमेंट हो रहा है लूप के अंदर उसकी बात कर रही है ये वाला, ओके दिस वन क्यू नंबर प्लस प्लस, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसे नहीं इग्नोर कर सकते। योर आंसर्स ये फिक्स्ड है, इसके आगे जो आंसर्स दिखाई दे रहा है ये रहा योर आंसर्स जो अभी आप मैंने सेलेक्ट किया, मतलब ये जो पार्ट है ये सिर्फ स्टैटिक डेटा है, उसका कुछ मतलब नहीं, जो कि ये साइड प्रिंट हुआ है योर आंसर राइट आंसर। उसके बाद से यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको जो डेटा बेस से आ रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे जेएसपी की कोड लिखी गई है वो भी एक्सप्रेशन टैग के अंदर। पहला क्या है आंसर डॉट गेट क्वेश्चन गेट क्वेश्चन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आ गया गेट क्वेश्चन टेक्स्ट व्हाट इज जावा राइट, फिर उसका आंसर गेट आंसर टेक्स्ट आंसर आ गया यहाँ पे गुड, एंड सेम गेट आंसर डॉट गेट रॉन्ग और राइट, ये चीज आप ये नेक्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात है उसे छोड़ दो। यहाँ पे अभी हम लोग आंसर, यहाँ पे देखो आंसर डॉट गेट क्वेश्चंस डॉट गेट क्वेश्चन डॉट गेट आंसर टेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन टेबल्स में जाइए आंसर जो दो है एक्चुअल आंसर उसे लेके आइए, क्योंकि रिलेशनशिप है तो ये बेनिफिट है कि मैं डायरेक्टली इस तरह से डॉट लगा के कॉल कर सकता हूँ, ये बेनिफिट होता है रिलेशनशिप का, मुझे उसे फिर से क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी सेलेक्ट करने के लिए, सो हाइब्रिड का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख लो मैंने आंसर डॉट गेट आंसर राइट करवाया है, जो कि मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है एक्चुअली। मैंने जैसे पहला आउटपुट में बताया था लास्ट वीडियो में कि ये रॉन्ग यहाँ पे लिखना नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना है, वो ऑप्शनल केस फिलहाल मैं अभी ऐसे छोड़ देता हूँ। वहाँ पे क्या लिखना चाहूँगा मैं उसे मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या फीचर यहाँ पे पास करूँ तो बेटर रहेगा, जैसे ट्राई अगेन नॉट सेटिस्फाइड, एंड यहाँ पे और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है ऑब्वियसली रीजन सजेशन ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं क्या, कुछ तो देखेंगे वो क्या डाल सकते हैं, फिलहाल उसका हमारा कुछ लेन देन नहीं है, तो मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो वो चला जाने वाला है। देखिए यहाँ पे रॉन्ग चला जाएगा दिस वन, जाना चाहिए, आई होप सेशन एक्सपायर नहीं होगा, मैं कब से काम जरूर कर रहा हूँ बट सेशन एक्सपायर अभी आधे घंटे नहीं हुए होंगे, आई होप सो, जनरली आधे घंटे में एक्सपायर हो जाता है, बट मुझे नहीं पता कि मैंने वेब INF के अंदर XML के अंदर कितना टाइमर लगाया हुआ है। ओके ये रिफ्रेश लोड हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो अब चला गया, ठीक है गुड। सो उसका कुछ लेन देन नहीं है फिलहाल, मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ डॉट 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 करके, ट्राई अगेन नॉट सेटिस्फाइड दैट्स ऑल, इधर पे क्लोज कर दिया सारी की सारी चीज़ें, यही तो है आपका रिजल्ट राइट, ग्रेड कार्ड नहीं है रिजल्ट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसी तरह से अगर उसने चार सब्जेक्ट लिया है तो चार सब्जेक्ट का अलग अलग आंसर स्टोर होगा, फिर मैं चार सब्जेक्ट का ग्रेड कार्ड अलग से बनाने वाला हूँ, जो कि अगर आप ध्यान दोगे तो बीन के अंदर अभी एक टेबल ऐसा है, एक बीन ऐसा है जिसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन रखना बाकी है जो कि है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, लॉन्ग ID है, अटैम्प्ट्स है रखा हुआ है, कितने अटैम्प्ट उसने किए हुए हैं, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखने वाले हम लोग, एंड ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा स्टेटस है, एग्जाम स्टेटस है, पास है कि फेल है, और एग्जाम का फीस है, डेट है, ये सारे हैं, ये सारी चीज़ें अभी एज इट इज पड़ी हुई हैं जिसको हमें देखना बाकी है। दैट्स ऑल, ये काफ़ी देर से वीडियो बन रहा है, आई होप चीज़ें समझ में भी आई होंगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में पूछो, समझ में आया है अगर सच में चीज़ें समझ में रही आपको तो लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, सो दैट और भी लोग देख सके समझ सके चीज़ों को, एटलीस्ट प्रोजेक्ट में नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उनको, हाइब्रिड क्या होता है, कैसे यूज करना है सारी चीज़ें, नॉट ओनली हाइब्रिड पूरा जावा का सीरीज और प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ाऊंगा, फिलहाल जैसा मुझे कमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंस जिसका दिखता है उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो किसी ने बोला मुझे कि पहले रिजल्ट का कॉन्सेप्ट करना सर, क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट में दिखाना है, इसलिए मैं रिजल्ट का बनाया हूँ, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं नो डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।